नमस्कार दोस्तों, फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब घर में कोई सब्जी ना हो और आप कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कोफ्ते, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आलू के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के उबले हुए आलू लिया है, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम पनीर ग्रेट करके मिलाया है। अब हम आलू और पनीर को मैश करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इन्हें मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें हम 50 ग्राम मावा मिलाएंगे, एक हरी मिर्च कुटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच मैदा मिलाएंगे। तो मैदा मिलाने से ये जो आलू के कोफ्ते हैं उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 1 चम्मच नमक मिला दिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने में हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आलू और पनीर का जो मॉइस्चर है उससे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इस डो से कोफ्ते बनाएंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा लिया है, लगभग 2 चम्मच, और इसके साथ ही कोफ्ते की स्टफिंग के लिए थोड़े से कटे हुए काजू और किशमिश लिया है। अब हम डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको इस तरीके से हथेलियों से गोल करते हुए घुमाएंगे, और इसको इस तरीके से चपटा करने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इसमें थोड़े से काजू और किशमिश हम भर कर इसको इस तरीके से गोलियाँ बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते अपने तैयार करेंगे। जब कोफ्ते के बॉल्स तैयार हो जाएं तो हम इनमें हल्का सा मैदा लगाएंगे। तो बॉल्स को इस तरीके से हम मैदे में घुमाएंगे और फिर हथेलियों से इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे कोफ्ता बॉल्स तैयार कर लेने हैं। अब हम इन कोफ्ता बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है, और जब तेल एक बार अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हमें कोफ्ता बॉल्स को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देना है। और अब हमें इसी तरीके से सारे कोफ्ता बॉल्स को फ्राई करना है। तो थोड़ी देर बाद जब कोफ्ता हमारे एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए तो हमें इन्हें धीरे से टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है। कोफ्ता बॉल्स को टर्न करते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी है। ये जो कोफ्ता बॉल्स हैं वो बिल्कुल भी फटे ना और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। अब इस समय हमें फ्लेम को लो पर कर देना है और लो फ्लेम पर हमें थोड़ी देर के लिए जो बॉल्स हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई करने हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे बॉल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं वो कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें कुछ साबुत मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 15 से 20 काली मिर्च, 4 लाल मिर्च और तेज पत्ता लिया है। सारे मसाले हम तेल में डाल देंगे और जब ये मसाले चटकने लगे तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। लगभग 1 मिनट तक हम प्याज को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, और टमाटर के साथ अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ लगभग 1.5 चम्मच नमक मैंने डाला है। अब हम अलग से इसमें नमक नहीं डालेंगे, अभी जो नमक हमने डाला है वो सफिशियंट है। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं। लगभग 1 मिनट हम इन सब्जियों को और पकाएंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। तो यहाँ मैंने 10 से 12 काजू डाले हैं। काजू डालने के बाद हम 40 से 45 सेकेंड इन सब्जियों को और फ्राई करेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएं तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सब्जियों को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन सारी सब्जियों को हमें पीस लेना है। तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसके साथ ही इसमें जीरा डाल दिया है और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा।
इसके बाद अब हम इसमें जो हमने सब्जियों का पेस्ट तैयार किया है उसे मिला देते हैं और थोड़ी देर इनको भूनेंगे। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी मिलाएंगे और इन सारे मसालों को हम इस पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से मिलाकर भून लेते हैं। मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, तो यहाँ मैंने एक ढक्कन लगा दिया है। थोड़ी देर बाद हम मसाला चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुन रहा है और मसाले से तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पर लगभग 2 चम्मच चीनी मिला देंगे। चीनी मिलाने से कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो हम चीनी मिलाने के बाद मसाले को फिर से अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ी देर मसाले भूनने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर मिलाएंगे, साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। 1 मिनट के लिए मसाले को हम और भून लेंगे और अब हम इसमें मलाई डालेंगे। तो ये घर की फ्रेश क्रीम है और यहाँ पर लगभग 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम मैंने मसाले में मिला दिया है और क्रीम को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। अब ये मसाला भूनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप पानी मिलाया है। आप जितनी थिक ग्रेवी खाना पसंद करते हो उस हिसाब से पानी मिला सकते हैं। पानी मिलाने के बाद हम ग्रेवी को ढककर पकाएंगे, तो मैंने एक ढक्कन लगा दिया है और लगभग 2 से 3 मिनट इसको पकने दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 30 से 40 सेकंड हम इस मसाले को इसी तरीके से और पकाएंगे। अब ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। तो जो कोफ्ते हमने तैयार करके रखे हैं वो हम मसालों में डाल देते हैं। यहाँ जो मैंने ग्रेवी तैयार की है वो थोड़ी गाढ़ी है। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और एक बार अच्छी तरीके से हम कोफ्ते को मसाले में डिप कर लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। 4 मिनट हो चुका है, हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों में सोख हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती हम गार्निश कर लेते हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और अब मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है और इसमें हम कोफ्ते सर्व कर लेंगे। कोफ्ते को गार्निश करने के लिए हम थोड़ी सी फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे और साथ में थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ। दोस्तों, आलू से बनने वाली कोफ्ते की ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।